नमस्कार विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। राजनीति विज्ञान के दो भाग अपन को प्रथम वर्ष के अंतर्गत अध्ययन करने होते हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत जो सामान्य बातें राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं वो आप लोगों को बताई जाएंगी। सबसे पहले हम प्रथम अध्याय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, तो मेरे विचार से आप लोग अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जिन विद्यार्थियों के 12वीं कक्षा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान थी वो थोड़ा बहुत राजनीति विज्ञान का परिचय सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, और जिन विद्यार्थियों के पास राजनीति विज्ञान विषय नहीं था वो अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, कुछ विद्यार्थी सरकार के अध्ययन से संबंधित उसको बताते हैं, कुछ विद्यार्थी इसको शक्ति सत्ता इन संदर्भों में परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ये आप लोगों का दोष नहीं है, हमारा विषय ही ऐसा है जिसके बारे में हम कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जितने विद्वान हुए हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से विषय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के अर्थ के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि राजनीति विज्ञान के अर्थ को लेकर विद्वानों ने दो दृष्टिकोणों का विकास किया। नंबर एक, राजनीति विज्ञान के अर्थ के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण, और नंबर दो, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। हम क्रमशः चलते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अर्थ में ऐतिहासिक, संवैधानिक, संस्थागत और तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो राजनीति विज्ञान के लिए हम पॉलिटिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल शब्द लैटिन भाषा के पॉलिस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है नगर राज्य। विद्यार्थियों, अगर आप प्राचीन नगर राज्यों की तुलना वर्तमान समय के राज्यों से करते हैं तो नगर राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत तो आज हमारे छोटे छोटे गाँव भी शामिल हैं। इसलिए शाब्दिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी गई है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं और हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को व्यापक अर्थों में पढ़ना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों के अंतर्गत भी ये देखने को मिलेगा कि राजनीति विज्ञान के प्रत्येक विद्वान ने अपने ढंग से विषय को परिभाषित किया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये एक हमारे विषय की विडंबना है कि इसके अंतर्गत कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता। राजनीति विज्ञान का अर्थ व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से किया गया है। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में भी हमें ये देखने को मिलता है कि विद्वानों में तीन वर्ग उत्पन्न हो गए हैं। प्रथम वर्ग के विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, अर्थात राजनीति विज्ञान में केवल और केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। जैसे गार्डनर की एक परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के अध्ययन के साथ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति कैसी है, राज्य की निर्माणकारी तत्व कैसे हैं, राज्य की कार्यप्रणाली कैसे है, ये तमाम राज्य से संबंधित बातें इसके अंतर्गत समाहित हैं। किंतु दूसरा दृष्टिकोण जो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में हम केवल सरकार का अध्ययन करते हैं, उस दृष्टिकोण के विद्वानों की मान्यता यह है कि राज्य में जो कार्य किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संगठन है, वो स्वयं अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए राज्य को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए
एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जिसको हम सरकार के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात दूसरे दृष्टिकोण के विद्वानों की ये मान्यता है कि सरकार वह महत्वपूर्ण संगठन है जो राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है और राज्य के कार्यों को पूर्ण करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सरकार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विषय है। सीले, ब्लंसली आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं। किंतु तीसरा एक दृष्टिकोण और है जिसे हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि राज्य और सरकार को हम पृथक पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के निर्माण के लिए सरकार रूपी तत्व की आवश्यकता होती है। जब तक राज्य के पास सरकार नहीं है उसको हम राष्ट्र मान सकते हैं लेकिन राज्य का दर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत एक राष्ट्र था, किंतु सरकार और संप्रभुता के अभाव में वो राज्य नहीं था। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, भारत एक राज्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए राज्य और सरकार को हम पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के निर्माण के लिए सरकार का होना आवश्यक है और सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का होना आवश्यक है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए हम राज्य और सरकार को पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं। पिनॉक और स्मिथ जैसे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य और सरकार एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। राज्य के अभाव में हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते और सरकार के अभाव में हम राज्य के कार्यों का संपन्न होने का कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान भी एकमत नहीं हैं और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से विषय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान इसे राज्य के रूप में मानते हैं, कुछ इसे सरकार के रूप में परिभाषित करते हैं और तीसरे वर्ग के विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि ज़्यादा सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य और सरकार पृथक पृथक नहीं हैं। इनको हम एक समान मानकर उनको हम एक साथ लेकर ही इनका अध्ययन करते हैं। आपने ये देखा होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत संवैधानिक, संस्थागत इन सब बातों का अध्ययन किया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, संस्थाओं को कौन संचालित करता है, इन सब बातों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण नहीं करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो दूसरा दृष्टिकोण है जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से संबोधित करते हैं, उसका उद्भव हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान ये मानते हैं कि राज्य और सरकार शून्य में कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि सरकारों को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, विधि की आवश्यकता होती है, शक्ति और सत्ता की आवश्यकता होती है। तो आधुनिक दृष्टिकोण का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में हम संस्थागत तत्वों के अतिरिक्त शक्ति, सत्ता, वैधता, निर्णय, मानव मूल्य इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण अपने ढंग से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है, क्योंकि प्राचीन समय के जो विद्वान हैं वो दार्शनिक प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करते थे। उनकी पद्धतियां कल्पनाओं के आधार पर चलती थी और वो कल्पनाओं के आधार पर राज्य की कल्पना करते थे कि राज्य का स्वरूप इस प्रकार का होगा, सरकार का संगठन इस तरह से होगा। यथार्थ रूप में उनकी कल्पनाओं को साकार नहीं किया जा सका था। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान ये मानते हैं कि जब तक राज्य में शक्ति नहीं होगी, जब तक राज्य में सत्ता नहीं होगी, निर्णय निर्माण करने वाली संस्थाएं नहीं होंगी और उनको क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता, तब तक राज्य का संचालन नहीं हो सकता। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना और उनको अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना।
तो राज्य को इन सब कार्यों के लिए सरकार रूपी संगठन की आवश्यकता होती है और उस सरकार रूपी संगठन के अंतर्गत शक्ति, सत्ता, वैधता, इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है। तो इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जो हम अगले कालांश के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।